नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। सबसे पहले यही बात हम कहेंगे कि सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि बिहार में फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अपना असर दिखाने लगा है। कल जो पूरे बिहार की रिपोर्ट आई थी उसमें 3469 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया था। यह आंकड़ा पूरे बिहार भर में चिंताजनक थी। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा 1431 की संख्या में पटना में कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जबकि कल सिर्फ एक दिन में गया में 310 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं अपने गृह जिला जहानाबाद में 77 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हम पूरे बिहार की भी बात नहीं कर रहे, बल्कि हम जहानाबाद की बात कर रहे हैं। जहानाबाद में 77 कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जो है चिंता की लकीर आम आवाम एवं खास हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 77 कोरोना संक्रमित एक दिन पाए जाते हैं तो यह बड़ी आंकड़ा को छूने के लिए कारगर साबित हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक कोरोना संक्रमित, जो कि मतलब सरकार और WHO का मानना है कि कई लोगों को संक्रमित कर रहा है, तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में 77 कोरोना संक्रमित को पाया जाना और जहानाबाद के लोगों में जिस तरीके की हम कह सकते हैं कि आवारापन या फिर अजिम्मेवार लोग, जिनको जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, जिन्हें अपने समाज की चिंता नहीं है, ऐसे लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हम जब जहानाबाद की सड़कों पर निकल रहे हैं तो कई लोग मतलब सोशल डिस्टेंस की जहां धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब पिटाई करती है तो आम लोगों को भी तकलीफ होती है कि हमें पीटा जा रहा है, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, ऐसा बताते हैं। जबकि जनप्रतिनिधियों को भी इससे बड़ी नाराजगी होती है, जो विपक्ष के हैं। और जहानाबाद में जैसा कि आप जानते ही हैं कि तीनों विधायक विपक्ष के ही हैं, सांसद हैं जो कि जहां जदयू के हैं, लेकिन वो जहानाबाद में कम ही रहते हैं। सांसद हैं लेकिन कम ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, राजनीति हम नहीं करेंगे, राजनीति की बात भी हम नहीं करेंगे। हम सीधा बात यही कहेंगे कि जहानाबाद के जिला प्राधिकारी नवीन कुमार जिस तरीके से एक्टिव मोड में पूरे जहानाबाद पर अपना नजर बनाए हुए हैं, जिस तरीके से वो कोरोना संक्रमितों की संख्या न बढ़े इसके लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, इसमें हम सभी को कदम से कदम हाथ मिलाकर चलने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग प्रशासन की मदद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें असफल होगा और उसका जो है खामियाजा हमें और आपको भुगतना होगा। क्योंकि जिस तरीके से 77 लोगों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जो खौफ होनी चाहिए थी, जो लोगों में सतर्कता होनी चाहिए थी, वो सतर्कता कहीं ना कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है, पब्लिक डोमेन में वो सतर्कता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जहानाबाद के जिला प्राधिकारी नवीन कुमार जहां पूरे जिले पर नियंत्रण रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, तो वहीं हर ब्लॉक के BDO भी इस पर सतर्कता के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं जहानाबाद के नगर कार्यपालक प्राधिकारी मुकेश कुमार के द्वारा भी कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसके द्वारा लोगों को संक्रमित होने से रोका जा सके। जगह जगह पर मास्क चेकिंग किया जा रहा है, तो वहीं बाइक और 4-व्हीलर 2-व्हीलर तमाम तरह की गाड़ियों की भी चेकिंग कराई जा रही है। जिला प्रशासन मतलब पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हम लोगों को भी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाना होगा और हम लोगों को भी कदम से कदम मिलाकर साथ देना होगा, तभी जो है कोरोना संक्रमित की संख्या को रोका जा सकता है और जिले में कोरोना संक्रमित और भी लोग न हो इस पर विराम लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग सतर्कता नहीं बरतते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है, जो कि अनियंत्रित भी हो सकता है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने घर से जब भी निकलें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। जबकि अगर कोई काम न हो, कोई महत्वपूर्ण काम न हो, तो आप अपने घर से निकलने से भी बचें, क्योंकि कोरोना तेजी से फैला हुआ है। अब फिर से हम लोगों को लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ना है। मतलब सरकार लॉकडाउन नहीं भी लगाती है तब भी हम लोग को यह सोचना है कि हम लोग लॉकडाउन में हैं और अपने घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, क्योंकि जिंदगी सरकार की नहीं बल्कि जिंदगी हमारी और आपकी है। अपने जिंदगी का हिफाजत करना हम सबों का काम है। इसलिए हम लोग सरकार की डर से नहीं, प्रशासन के डर से नहीं,
बल्कि आत्म सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंस का उपयोग करेंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो लोग आगे से इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कोरोना से लड़े, जो अहम कदम है, सरकार का निर्देश है, उसका पालन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार लाइव सेवन के साथ। और जहानाबाद के सभी तमाम लोगों से हमारा अपील जो है वो अपील यही है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखते हुए घर से जरूरी कार्य रहे तभी बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें, अपने परिवार की चिंता करते हुए अपने घर में सुरक्षित रहें।